अयोध्या के स्वर्ण द्वार स्थित विश्वकर्मा मंदिर में प्रतिष्ठा उत्सव के रूप में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रतिष्ठा का वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उत्सव के अवसर पर मंदिर के महंत परमानंद दास ने बताया कि आज से लगभग 100 साल पहले मंदिर में भगवान जी का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ था। तब से आज तक हर वर्ष प्रतिष्ठा उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। प्रतिष्ठा उत्सव के अवसर पर राम नाम कीर्तन का आयोजन हुआ, उसके बाद भव्य भंडारे का आयोजन हुआ। इसमें अयोध्या के सभी साधु संत व अन्य अन्य जिले से आए सभी श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। आज के दिन हमारे यहाँ जो है, आज से लगभग 100 वर्ष पहले भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। उसमें 27 जून ही था, तिथि अनुसार होता था, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन किया गया। 27 जून को उसी उपलक्ष्य भगवान के जन्म प्रतिष्ठा उत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम मनाया जा रहा है। यहाँ पर अनेक जिलों से लोग आते हैं, भक्तगण आते हैं। बस्ती, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर, देवरिया, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अमेठी, अम्बेडकर नगर से लोग आते हैं। आज क्या कार्यक्रम विशेष हुआ मंदिर में? आज का विशेष कार्यक्रम भगवान के नाम का जो है 24 घंटा का राम नाम संकीर्तन हुआ, उसके बाद से भंडारे का आयोजन किया, जिसमें अयोध्या के अधिकांश मंदिरों के महंत संत आए। इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप श्रद्धालुओं को? इस अवसर पर संदेश यह देना चाहेंगे कि आपस में सद्भाव सद्भाव व्यवहार बना कर रखें और भगवान के प्रति विश्वास श्रद्धा के साथ सेवा करें, नर सेवा करें, नारायण सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा होता है। इसीलिए हम भंडारे का कार्यक्रम करते हैं, उसमें साधु संत पूजन करते हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर।